हाथरस में दरिंदगी की शिकार बेटी की 15 दिन बाद मौत हो गई। आज 19 साल की पीड़िता ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ा। 14 सितंबर को 19 साल की बेटी के साथ 4 दरिंदों ने गैंगरेप किया और फिर लड़की पर जानलेवा हमला किया था। लड़की की हालत इतनी खराब थी कि 9 दिन तक होश ही नहीं आया। होश आने पर पीड़िता ने जो बताया उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी हैवानियत के बाद भी वो आखिरी सांस तक जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन आज वो ये जंग हार गई। आरोपियों की पहचान गांव के ही रहने वाले संदीप, लवकुश, रामू और रवि के रूप में हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने दुख जताते हुए दरिंदगी की शिकार बेटी के परिजनों से बात की और 3-4 दिन में हाथरस पहुंचकर उनसे मुलाकात करने का भरोसा भी दिया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना भी साधा और कानून व्यवस्था का मसला उठाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नाम और निशान नहीं है, अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आखिर में प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति योगी आदित्यनाथ जी आप जवाबदेह हैं।